रिलेशन के लिए देखिएगा कि ए रिलेशन आर फ्रॉम आर फ्रॉम ए नॉन एम टी सेट एट है ना ए होगा एंड ए नॉन एम टी सेट क्या होगा बी होगा ठीक है तो इसके अंदर जो अपना रिलेशन आर होगा वो कहां से कहां के बीच में होगा एक तो नॉन एम सेट ए यानी कि ए होगा एक बी होगा ये क्या होता है इज ए क्या होता है इज ए सबसेट ऑफ क्या होता सबसेट ऑफ कार्टिशन प्रोडक्ट सबसेट ऑफ कार्टिशन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी जो ए क्रॉस बी होगा इसका वो कार्टिशन जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या होगा ये सबसेट होगा ठीक है तो यहां से क्या होगा रिलेशन आर है वो क्या है फ्रॉम एक नॉन एम टी सेट ए टू क्या है एक बी है इज ए सबसेट ऑफ कार्टिशन प्रोडक्ट अब जो सबसेट कैसे क्या डिफाइन होता है वो देखते हैं कि भाई दो जो सबसेट है सबसेट इज डी बाई ठीक है डिराइवड बाई डिस्क्राइव डिस्क्राइव दी describe the first element element and जो second element होगा of ठीक है of किसका ordered pair का of ordered pair in किसके अंदर भाई in a cross b जो अपने पास क्या होगा ए सेट और बी सेट होगा उसके अंदर ही हमें क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा अब जो सबसेट होगा देखिएगा कि जो हम सबसेट ले रहे हैं ले लिया भाई आर का एक सबसेट ले लिया जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट होगा और सेकेंड एलिमेंट होगा किसका ऑफ ए पेयर होगा ठीक है और किस में होगा वो होगा अपने पास जो कार्टिशन प्रोडक्ट होगा उसमें से तो हम क्या कर रहे हैं भाई जो रिलेशन में जो सबसेट ले रहे हैं वो कहाँ से उठा रहे हैं हम कार्टिशन प्रोडक्ट्स में से तो उठा रहे हैं जो उसका कार्टिशन प्रोडक्ट है उसके सबसेट में से लिया अब वो जो सबसेट के एलिमेंट्स है भाई जो सबसेट के एलिमेंट को हम डिराइव कैसे कर रहे हैं भाई उनको डिराइव्ड कर रहे हैं भाई कि उनका डिस्क्रिप्शन कैसे कर रहे हैं भाई जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो भी अपने ऑर्डर्ड पेयर से आएगा और जो सेकंड जो एलिमेंट आएगा वो भी क्या आएगा ऑर्डर्ड पेयर से आएगा इस प्रकार से तो जो इसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट आता है यानी कि जो हमने सबसेट लिया है उसके अंदर जो सेकेंड एलिमेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई उसका क्या बोलते हैं री जो रेंज होती है वो बोलते हैं ठीक है तो यहां से देखिएगा कि द सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन ठीक है रेंज ऑफ रिलेशन बोलते हैं यहां तक आई होप आपको बातें क्लियर हो, हुई होगी अब चलते हैं अगेन अपने डायग्राम के अंदर क्या है अब इस डायग्राम में आप देखोगे तो आपके लिए देखिएगा कि क्या होगा कि इसमें जो पहले जो एलिमेंट है इस कार्टिशन प्रोडक्ट में ठीक है यानी कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का एक सेट है इसके अंदर ये जो ए सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई डोमेन बोलते हैं ठीक है ठीक है ये बात अब सेकंड में यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं जो यहाँ पे यानी कि इसमें ए रखने पे जो भी मैप आ रहा है जो भी इमेज आ रही है ठीक है देखिएगा कि जो क्या कह रहा था जो अपने पास यहाँ पे जो अक्स टू होता है द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन और जो सेकेंड एलिमेंट होता है ना वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या होता है इमेज भी होता है ये भी बोलते हैं ठीक है या फिर एक और ये भी बात लिख सकते हो और इसके अंदर क्या होता है एंड जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं भाई इमेज भी बोलते हैं इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ठीक है जी एक ही बात है यानी कि ये तो मैंने उससे भी आगे की बात कर दी कि जो सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड दी जो रेंज होते हैं ना जितने भी अपने पास सेकेंड एलिमेंट्स आएंगे यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट जो कार्टिशन प्रोडक्ट हम जब भी लिखेंगे तो वाई का जो भी कंपोनेंट आएगा वो आएंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं भाई एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग उनको रेंज बोलते हैं है ना ये